नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा और बहुत बहुत स्वागत है आपका कुक विद उषा चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आंवले के जूस की रेसिपी। आंवले के ढेरों फायदे होते हैं ये तो सभी जानते हैं। फिलहाल बात करेंगे हम आंवले के जूस की और आंवले को आप साल भर किस तरह से स्टोर कर रख सकते हैं जिससे कि आप पूरा साल इसका मजा ले सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। तो रेसिपी को आप एंड तक देखते रहिएगा। फटाफट से अब बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आंवले को साल भर के लिए कैसे स्टोर करना है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम जूस बनाएंगे। तो जूस बनाने के लिए आपको ताजे आंवले लेने हैं और अगर कोई आंवला ऊपर से खराब है उसको थोड़ा सा काट लीजिए, बाकी आंवले को इस तरह से काट लीजिए। तो मोटे मोटे टुकड़ों में ही काटना है, लेकिन सारा आंवला आपको इसी तरह से निकाल लेना है, गुठली सिर्फ रहनी चाहिए। तो गुठली को आप अलग कर लीजिए। देखिए, आंवला हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आंखों के लिए, दांतों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हार्ट के लिए स्पेशली। तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है अगर आप आंवला जो है वो रूटीन में खाएंगे। तो आंवला आप जरूर से खाइएगा। तो ये देखिए, सारे आंवले मैंने काट लिए हैं। अब आंवले को हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। अभी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पहले आप थोड़ा सा इसको चला कर देख लीजिए। साथ में डाल लीजिए फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ। बस इसको आप चला लीजिए, बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाते हैं क्योंकि आंवले हमारे सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आप इसका एकदम फाइन पेस्ट जो है वो तैयार कर लीजिएगा। कोई भी इसमें लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। जितने अच्छे से आप इसे ग्राइंड करेंगे उतना ही ज़्यादा जूस जो है वो आपके पास बनेगा। तो ज़्यादा जूस चाहिए तो अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो एकदम फाइन आपने इसको ग्राइंड करना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर और इसको साइडों से देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़े मोटे चंक्स होंगे तो वो नीचे चले जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ गुड़, और ये ऑप्शनल है लेकिन गुड़ भी हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, तो आप इतना सा गुड़ डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया काला नमक और आप थोड़ा सा पानी और डालूंगी और फिर से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, जितने आंवले हमने लिए थे उससे 3-4 ग्लास जो है वो आराम से आंवले के जूस के बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हमने इसमें पानी भी मिक्स किया है। प्योर आंवले का जूस भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर आपको लूज मोशन लग सकते हैं, क्योंकि आंवला जो है वो पेट को साफ करता है। इसका मतलब अगर आप आंवला खाते हैं या आंवले का जूस लेते हैं तो आपको कब्ज नहीं होगी, मेरा मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आधी से ज्यादा बीमारियां तो कब्ज से ही पैदा होती है। तो आपको इस तरह से देखिए जूस निकाल लेना है, बहुत ही आसान है। और जो पल्प बच गई है ना उसे आप फेंकिएगा नहीं, उसे एक बार फिर से आप मिक्सी जार में डालिए इस तरह से देखिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, फिर से इसको चलाइए तो जो बचा हुआ जूस होगा वो भी निकल आएगा। तो देखिए, आंवला जो है वो बहुत ही फायदा करता है, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं, आप एक बार मैंने इसको फिर से चला लिया है पल्प को, अब काफी सारा हमारे पास आंवले का जूस तैयार हो गया है। अब इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम सर्व करते हुए थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, वो ऑप्शनल है। तो ये देखिए, आंवले का जूस कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग लेना है, जितना आपको डाइजेस्ट हो, ठीक है। अब ऊपर से इसमें देखिए थोड़ा सा डाल लीजिए काली मिर्च का पाउडर, तो ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, अच्छे से फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए भी। तो दोस्तों, आंवले का जूस है ना बहुत ही एनर्जेटिक होता है, पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, इसका मतलब मोटापा भी दूर रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसे हम साल भर स्टोर कर रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आंवले को काटना है। जैसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड किया, वैसे ही इसे ग्राइंड करना है। बस अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जितना प्योर हम इसका जूस निकालेंगे उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में इसे आप स्टोर कर पाएंगे। तो बस फाइन पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद जैसे पहले आपको बताया इसे अच्छे से छान लीजिए
और छानने के बाद ये देखिए जूस हमारे पास तैयार है, बिल्कुल प्योर जूस मैंने बनाया है, ज्यादा पानी इसमें नहीं डाला है। अब इसे आप आइस ट्रे में डाल लीजिए और इसकी आइस क्यूब्स हम जमा लेंगे। तो जितना ज्यादा आप बनाना चाहें उतने ज्यादा आइस क्यूब्स जमा लीजिए और किसी कंटेनर में या किसी जिप लॉक बैग में इसे भर कर रख लीजिए। तो साल भर ये खराब नहीं होती है, लेकिन फ्रीजर के अंदर ही रखना है। तो बस जब भी गर्मियां आए, देखिए गर्मियों में आंवले मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिलें भी तो कोल्ड स्टोर के होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आंवले की आइस क्यूब्स निकालनी है और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल लेना है। 2 से 3 आइस क्यूब्स काफी हो जाती है 1 गिलास के लिए। अब अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें आप बस थोड़ा सा डाल लीजिए काली मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक, और इसका आप इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इसका आप मजा लीजिए, मैं जल्दी ही मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इसे ट्राई कीजिए। नमस्कार।